चुनाव से पहले यूपी का माहौल गर्म है। इंडिया न्यूज का खास शो जय हो में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश यादव और मैं सफर करूंगा इस ट्रेन से। ये ट्रेन वाराणसी से चल के मुंबई तक जाएगी। हालांकि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, पहले बाहर से बातें हुए मैं ट्रेन के अंदर प्रवेश करूंगा। कहाँ से हैं भाई साहब? बलिया से हूँ। बलिया सर, यूपी का माहौल क्या लग रहा है? किसकी सरकार फिर से आए? योगी की आएगी। क्या किया है योगी जी ने? योगी जी ने बहुत कुछ किया, जो भी किया है बढ़िया किया है। इस बार फिर से उनकी सरकार है, मुद्दा क्या होगा वो तो समय बताएगा। हम ट्रेन के अंदर प्रवेश करेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे निगाहें बनाए रखें। और हम बोगी में प्रवेश भी कर चुके हैं, कुछ लोग भी हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सबसे अहम होता है और इस चुनाव पे सबके निगाहें होती है। आप तो गृहिणी लग रही हैं, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में फिर सरकार किसकी आए? मोदी की। मोदी की है? मोदी का आना चाहिए। आना चाहिए। और क्या मुद्दा होगा लोगों के पास जाने के लिए फिर से? एक मिनट, क्या मुद्दा क्या होगा फिर से लोगों के पास जाने के लिए? फिर से जाने मतलब इसका क्या मतलब, किसको जाने के लिए? मतलब फिर से योगी जी की और मोदी जी की सरकार आए तो क्या मुद्दा रहेगा आम जनता के पास? वो लोग वोट मांगेंगे तो क्या मुद्दा बताकर मांगेंगे कि फिर से मेरी सरकार आए? बिल्कुल आए, मोदी की सरकार जरूर आए। आप बताइए। मोदी की सरकार जरूर आए। जरूर है? बिल्कुल है। क्या किया है उन्होंने? अरे बहुत काम किया, इतना देश विदेश को सब कुछ सबसे सीधी सबसे हाईलाइट हो गए। क्या नहीं किया? मुद्दा क्या होगा लोगों के पास फिर से जाएंगे तो? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा बहुत से बहुतेरे हैं, लेकिन जो है जो सत्यता है वो मोदी के बराबर कोई नहीं है। नहीं, 2022 में तो योगी की सर, और योगी भी मार ले जाएगा दांव, और 24 भी। हाँ सब, जब तक मोदी है तब तक सब फतेह है भाजपा। हालांकि ये बीजेपी के सपोर्टर लग रहे हैं, इनका कहना है कि फिर से योगी और मोदी की सरकार है। आप बताइए कहाँ से सफर कर रहे हैं आप? हम गाजीपुर से आ रहे हैं। गाजीपुर से जी? गाजीपुर से आ रहे हैं, तो बताइए क्या लग रहा है, यूपी का मूड क्या है? यूपी का मूड ये है कि खास करके यूपी अभी बीजेपी के सरकार है और उसमें बहुत सारा मतलब महंगाई को लेकर के और तमाम ऐसे मतलब महंगाई मुद्दा हैं। और बीजेपी सरकार में हम जानते हैं कि काम बस रोड का हुआ है और जनता आज भी मतलब भूखी है, आज भी लोगों के अंदर मतलब समस्या है और आज भी मतलब लोगों को ये चाहिए एक नया और एक युवा, एक कर्मठ और एक गौरवशाली मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो। यानी मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव को? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे या फिर मायावती रहे, और ख़ास करके मायावती के शासन में अच्छा कार्य हुआ है और मायावती के शासन में हर एक अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम भी, वो बलिया भी जाती थी तो गाजीपुर का डीएम मतलब ये सोचता था कि कब मतलब यहाँ पे उतरना उसका हो। मायावती की सरकार में प्रशासनिक हनक थी ना? जी, 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 जी। बहुत धन्यवाद, हम आगे भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? आप भी गाजीपुर से हैं? किसकी सरकार चाहते हैं फिर से यूपी में? हम तो सबकी चाहते हैं, हमारे की कैसे हो जाएगी? सबकी कैसे होगी? उनसे पूछिए, उनसे। आप बताइए किसकी सरकार चाह रहे हैं? सर योगी का। योगी जी की? मुद्दा क्या होगा फिर से योगी जी को आने के लिए? सर मुद्दा तो बहुत सारे उनके लिए, देखिए तो आप जैसे मुद्दा है उनके लिए, आप केंद्र शासित प्रदेश लाकर लेने के लिए, इंटरनेट सिटी डालने के लिए, बहुत सारे मुद्दा है उनके लिए। रोड के माने भी बहुत बढ़िया है, काम किए सारे बहुत। देखिए न्यूज़पेपर ट्रेन में सफ़र करते हुए पढ़ा जा रहा है। चाचा बनारस से कहाँ सफ़र कर रहे हैं? मुंबई। मुंबई के लिए लंबी दूरी है, यूपी से होकर ही मुंबई जाएंगे, तो यूपी में फिर से सरकार किसकी है? सरकार चाहे जिसकी भी रहे, काम अच्छा करे बस। अब तक की सरकार काम किया है या नहीं ये मैं जानना चाहता हूँ। सरकारों ने तो बहुत काम किया है, लेकिन और थोड़ा विकास हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब विकास अभी कुछ खुल के नहीं हुआ, कहना आपका? बिल्कुल बिल्कुल, खुल के विकास नहीं हुआ है, यानी परिवर्तन हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या चाहते हैं, परिवर्तन या फिर यही सरकार है? परिवर्तन तो जरूरी है, ऊपर स्तर पे तो काम होता है लेकिन निचले स्तर पे देखेंगे तो काम ही नहीं होता। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, जैसे निचले स्तर पे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। गांव के प्रधान आज भी वैसे ही है, जो शौचालय का पैसा आता खा जाते हैं, यहाँ तक कि डीएम एसडीएम सबसे मिले रहते हैं। एक मेरे नाम का ही शौचालय मिला है, अब आज तक पता ही नहीं चला शौचालय किसके नाम पर मिला और पैसा कौन लिया। प्रधान के खिलाफ हम लोग कंप्लेन भी किए लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं हुआ, यानी कि परिवर्तन आप? परिवर्तन नहीं चाहिए। देखिए कई कुछ लोगों की नाराजगी भी है वर्तमान सरकार से, इनका कहना है कि
आवास आया, शौचालय आया इनके नाम पे, लेकिन इनको मिला नहीं। अब प्रधान घपला कर गए, इनका कहना है। आप बताइए सर, कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ना बैग थामो पहले। सर सर आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सर इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जा रहे हैं। तो यूपी में फिर से किसकी सरकार आए, परिवर्तन चाहिए या फिर से योगी सरकार? अब देखिए विकास तो हो ही रहा है, बस एक मुद्दा है जो है रोजगार का और महंगाई का। महंगाई का जी, चलिए मौसी, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन देखिए, हम लोगों को बेरोजगारों के लिए तो रोजगार चाहिए, बाकी सब कुछ तो सही चल रहा है। आप तो गृहिणी हैं, कहा जाता है कि गृहिणी के हाथ में सब चीज है, सब कुछ है, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, सबसे ज्यादा असर गृहिणी पे होता है। किसकी सरकार फिर से हो, जिसकी भी हो बस अच्छी हो, अच्छी हो जिसकी भी हो, मतलब काम काज और नौकरी वगैरह सब अच्छा सा हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, बस ये चाहते हैं। जिसकी भी सरकार हो बस अच्छी हो, क्या बात। आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं यूपी में घूमने, यानी बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। तो मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि किसकी चाहती है, हालांकि क्या लग रहा है यूपी में विकास हुआ है कि नहीं? बहुत सारा विकास हुआ है, काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बहुत सुंदर बन गया है। हाँ, काशी विश्वनाथ का मंदिर सुंदर बन गया है। आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप भी मंदिर दर्शन करने गए थे? तो मैं, आप तो यहाँ के वोटर है, नहीं तो मैं इससे पूछ नहीं सकता। हालांकि विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है। विकास हुआ है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। मैं अंदर भी चलूंगा, कुछ लोग और भी हैं, हालांकि लगातार सफर जारी है। यहाँ से कहाँ से है? मुगलसराय से। रामनगर। रामनगर फिर से यूपी में किसकी सरकार आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब आपके हाथ में चाबी है, जिसकी चाहे उसको सरकार मिले। कांग्रेस सरकार जी। प्रियंका गांधी? हाँ। राहुल गांधी? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, हालांकि हाँ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं का बताया जा रहा है। अब बताइए कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से। सारे लोग महाराष्ट्र से हैं? आप कहाँ से? इलाहाबाद। आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हैं, संगम नगरी। संगम नगरी से काशी में आए, क्या लग रहा है फिर से सरकार किसकी है? देखिए किसकी आती है। अरे आप लोग तय करेंगे ना, अब तो परीक्षा नेताओं की है, जी जी, रिजल्ट आप लोग को देना है। जी जी, हमको तो लगता है सपा आएगी। सपा आएगी जी। क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ? अब विकास तो हवे में है। हवे में जी, हवे में है विकास। विकास और होना चाहिए आपको लग रहा है, और परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, परिवर्तन हो जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। आप थोड़ा पास आ जाइए, नहीं बोलेगी वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अगले बोगी में भी जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, क्योंकि लगातार आप कहां से हैं? मैं सर कृति दुबे फ्रॉम बीएचयू इंग्लिश डिपार्टमेंट। अच्छा, बीएचयू सर। आप बताइए कि यूपी में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है फिर से परिवर्तन हो या फिर से योगी सरकार? परिवर्तन के साथ, योगी सरकार रहे बट परिवर्तन के साथ रहे। परिवर्तन कैसे होगा फिर? अभी बताती हूँ सोचकर, ठीक है? चलिए ठीक है, बीएचयू के छात्र, हालांकि सफर लगातार जारी है, देखिए ट्रेन भी चल दिया है। हम और जगह जाएंगे, लोगों से और पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, और जनता का के मूड की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जनता का तो पूरा मूड जो है आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर है और मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है काशी वासियों के लिए, वो काम दूसरा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। और मेरी आज 54 साल की अवस्था हो गई है, 54 साल की अवस्था में मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा और न देखूंगा। और अगर आपकी उत्तर प्रदेश बनारस मोदी जी को नहीं सुनता है तो ये समझ ले काशीवासी लोग कि जितना भी विकास मोदी जी ने किया है सबके ऊपर पानी फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा। चलिए, आप भाजपा के सपोर्टर लग रहे हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल, क्या कह रहा है आपकी माहौल है? इसका माहौल है बीजेपी का, बीजेपी का आदित्यनाथ योगी जी का। मुद्दा क्या होगा फिर जनता का? वही होगा जो पहले था, विकास। विकास जी, आप बताइए क्या माहौल कह रहा है? बीजेपी का। बीजेपी जी, अखिलेश बता रहा है कि हमने भी काम किया है। अखिलेश किए हैं, लेकिन अब जो किए अखिलेश उनका शो नहीं किया, जो मोदी किए उनका शो किया आदित्यनाथ योगी का। अच्छा अच्छा, क्या किए हैं योगी जी ने? योगी जी ने आज बनारस में पूरा एकदम अच्छा काम कर रहे हैं,
पूरा मतलब बनवा रहे हैं बनारस का, हर भारत में यूपी में पूरा डेवलप कर रहे हैं। आस्था को लेकर फिर से भाजपा, हाँ आप बताइए इस बार का माहौल क्या कह रहा है? इस बार का माहौल सर ऐसा है कि काफ़ी बहुत है चेंजिंग मिला इस बार आने पर अपने को। और दूसरी बात यह है कि यूपी वालों ने अक्सर हर पार्टी को साथ दिया है, हर पार्टी को समय दिया है, 5 साल हर पार्टी को दिया है, समाज बसपा सबको दिया है, लेकिन विकास की मायने नहीं आई। लेकिन बीजेपी के बाद से तब से काफ़ी चेंजिंग आ गई है, बहुत से फर्क पड़ा इस टाइम, नेक्स्ट टाइम तो बीजेपी दिखती है, थम्स अप बीजेपी दिखती है। चलिए और हम कुछ लोग, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव का माहौल? अच्छा आप जम्मू के, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल उत्तर प्रदेश में? बढ़िया है। नहीं बढ़िया है क्या, फिर से योगी आदित्यनाथ या फिर कुछ परिवर्तन? इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कांटे की टक्कर। हाँ तो लोगों से और हम बात करेंगे, आगे चलेंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है माहौल क्या कह रहा है? माहौल बढ़िया है, चेंज होगा इस बार। अच्छा परिवर्तन है? परिवर्तन है। किसकी लहर लग रही है? सपा। सपा अखिलेश यादव। चलिए अखिलेश यादव के समर्थक दिखे, आप बताइए माहौल क्या कह रहा है? माहौल ठीक है कर रहा है। किसकी हवा इस बार? इस बार तो क्या कहें, आप बताइए सर। इस बार चुनाव बनारस इतना बढ़िया बनाया है कि योगी जी कहीं रहेंगे। योगी जी क्या लग रहा है, काम किया है योगी जी ने? जी बढ़िया काम किया है कला 5 साल में। चलिए अधिकतर यात्री जो हैं उनका कहना है कि योगी जी ने काम किया है, कुछ लोग और बैठे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, फिर से माहौल योगी जी का या फिर परिवर्तन? योगी जी का फिर से माहौल आएगा। कहाँ से रहने वाले हैं आप? बस ही बनारस से। बनारस के ही हैं? बनारस विकास हुआ है? हाँ बनारस का विकास हुआ है, जमकर विकास हुआ है। हा? हमारे बनारस में जमकर विकास हुआ है, जो कि 70 सालों में नहीं हुआ हुआ बनारस में हुआ है। और हमारे योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा योगदान है कि जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनवाएं और काफ़ी जनता के दिलों में वो बस गए हैं। और महंगाई और बेरोजगारी भी तो है? बेरोजगारी ये आबादी के हिसाब से बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, ना महंगाई है। सोचिए तो आप देख रहे हैं कि विकास को देखते हुए आप चलिए और लोग ये सब कोई मतलब नहीं है महंगाई और बेरोजगारी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत लोगों का जान चला गया, केवल दावा झूठा था यूपी सरकार का। वो फेक बनाते हैं, फेक बोलते हैं बस, खाली वो अपने आप को बहुत चूतिया एकदम पंती आदमी है। हर हर मोदी, हर हर मोदी, बस हर हर मोदी हर यो। आप बताइए योगी योगी केवल योगी, मतलब इस बोगी में जितने लोग हैं सब लोग योगी योगी का जो रट्टा लगा है योगी जी का। आप बताइए क्या लग रहा है, फिर से योगी जी या फिर परिवर्तन? नहीं मुझे कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बनारस से ही हूँ। बनारस का माहौल बदला या नहीं? बहुत बदला है। क्या लग रहा है, क्या होगा? और जनता से मिलिए, मेरी राय तो वही है योगी जी मोदी बहुत अच्छा काम करके गए। सभी जुबान में योगी जी का आपसे आपका भी नाम है ना, थोड़ा सा जगह दीजिए, मैं आगे चलूंगा, कुछ लोग और हैं उनसे मैं बात करूंगा। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या कह रहा है इस चीज के बारे में? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसको लेके उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा या फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी? अभी से कुछ नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। माहौल मतलब दोनों काटे की टक्कर है, लग तो ऐसा ही रहा है ना? जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी बलिया से। अच्छा बलिया से, बनारस में आए हैं, बनारस क्या विकास लग रहा है? बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ जी, विकास को लेकर भी परिवर्तन लग रहा है आपके मन में, आप बताइए क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी ने कॉरिडोर अच्छा बनवाया है, हमें तो अच्छा लगा, यही सरकार आनी चाहिए, यही सरकार आनी चाहिए। आपकी राय क्या है दादाजी? अच्छा आप पूजा पाठ में लगे हैं क्यों, काशी है? आप बताइए कहाँ की रहने वाली हैं? बनारस की। अच्छा बनारस की रहने वाली हैं, छात्र लग रही हैं, आप बताइए क्या माहौल बता रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या बताए, क्या लग रहा है फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी? हाँ आएगी, जरूर आएगी। अच्छा आपका भी मन वही लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी, कुछ लोग और हैं मैं उनसे बात करूंगा। आप कहाँ से हैं? बनारस से। अच्छा बनारस से ही हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है माहौल, इस बार परिवर्तन होगा या फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, महंगाई के ऊपर होगा, बेरोजगारी के ऊपर होगा, बहुत सारा कारण है। भाजपा तो कह रही रोजगार भी दिए हैं,
महंगाई भी खत्म है। कहने से नहीं होगा ना, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कहने से नहीं होगा। पूरी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बहुत सारा कुछ है। काम किए हैं, ये नहीं बोलने काम नहीं किए हैं, बट जो परिवर्तन होगा इस बार। यूपी गवर्नमेंट किसी को रखती नहीं है, मतलब यहाँ 5 साल के बाद परिवर्तन होता ही है और परिवर्तन निश्चित है। आप बताइए माता जी, आप तो गृहिणी हैं और गृहिणी के हाथ में सब ताले की चाबी होती है, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी, सबसे ज्यादा असर गृहिणी को होता है। नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, योगी सरकार आएगी। भाई साहब तो बोलिए, कौन सा काम अच्छा लगा योगी जी का? योगी का सब काम अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं काम अच्छा नहीं लग रहा, सब काम अच्छा है उनका। 70% पैसा जो करप्शन में जाता है वो तो बच रहा है योगी सरकार से। अच्छा, करप्शन का पैसा बच। पुलिस DSP लेवल के पुलिस जो है एयर कंडीशन में सोते थे, अब चौराहे पर मिलते हैं, है? तो अब तो, और हम हिंदुस्तानियों को अगर बुखार आ जाए तो सोचते हैं सरकार टैबलेट क्यों नहीं दे रही है, है? हम टैबलेट खरीद नहीं सकते, ये हमारी मानसिकता है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इसलिए परिवर्तन होगा। उनका अपना विचार है भाई, हिंदुस्तान में तरह तरह के विचार हैं। अगर उठवा देंगे तो कुछ तो महंगाई बढ़ेगी ही, और चाहेंगे कि अच्छा अच्छा हर चीज हो भी और महंगाई भी न बढ़े, तो ये गलत बात है ना। वही बात हम लोग, पेट्रोल डीजल 200-100 रुपया लीटर हो गया है, लेकिन सड़क पर देखिए गाड़ियाँ कम हैं, है? महंगाई है तो गाड़ी क्यों बंद नहीं होती है? गरीब तो परेशान है, गरीब तो कह रहे हैं साइकिल से हम चलेंगे। हाँ चलने दीजिए, साइकिल क्यों, पैदल चलें गरीब। ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, क्या हिंदुस्तान में 80 करोड़ गरीब हैं? चना है, दाल है, चना है, दाल है, हाँ तेल है और रिफाइंड है, सब तो मिल रहा है, गेहूँ चावल सब मिल रहा है, और 15-15 दिन पर मिल रहा है, 2 महीने में 2 बार मिल रहा है, बताइए। एक ठे फ्री वाला है, एक ठे वही समाजवादी कहती है तो चुनावी एजेंडा है। वो उनका अपना व्यू है भाई, आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरा अपना व्यू हो सकता है, तो हम तो अपने व्यू से बात करेंगे। फिर से उन्हीं के पास चलते हैं, आप बताइए। आप तो कह रहे थे बेरोजगारी है और महंगाई है, लेकिन कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है फ्री में। फ्री राशन से कुछ होगा क्या? सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से पूरा दिन कट जाएगा? हमको रोजगार रहेगा तो हम अपना कमाए खा लेंगे, हमको फ्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हमको रोजगार मिलेगा तो हमको फ्री की आवश्यकता ही नहीं है किसी का, काम करके खाने से जो है। जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि धीरे धीरे ही तो काम होगा, तो चलिए जनसंख्या इतना ज्यादा, धीरे धीरे काम होगा। लोगों का अपने अपना राय है, हालांकि कुछ लोगों से और बात करेंगे, लेकिन इस बोगी में जितने लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ की फिर से सरकार आए। कुछ लोग हैं महंगाई से नाराज हैं, कुछ लोग हैं बेरोजगारी से नाराज हैं। इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम जय हो में जब मैंने जनता की राय जानी, बनारस से मुंबई जाने वाले ट्रेनों में सफर करते हुए लोगों से पूछा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, तो लोगों का मिला जुला असर मिला। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग अखिलेश यादव को। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, पर देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार सत्ता किसकी आती है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।